नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव दुबे, आप देख रहे हो टेक्नो दुबे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क कर सकते हैं और किसी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, टीचर या फिर विधायक सांसद के खिलाफ शिकायत प्रधानमंत्री से कैसे कर सकते हैं, या फिर आप किसी टॉपिक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपनी राय कैसे भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। टेक्नोलॉजी की किसी छोटी या बड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप इस बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ब्राउजर ओपन करना होगा और ब्राउजर के सर्च बार में जाकर के आपको लिखना होगा पीएम इंडिया। पीएम इंडिया लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप पीएम इंडिया लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे स्लाइड करना है और नीचे स्लाइड करने के बाद आप यहां पे भारत के प्रधानमंत्री वेबसाइट आप यहां पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके यहां पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, मेरे सामने कुछ समय लोडिंग लेने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने पीएम इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब आपको इसे नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करते चले जाना है, यहाँ पे आपको ढेर सारे फोटोज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको नीचे स्लाइड करते रहना है। जैसे ही आप नीचे स्लाइड करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रधानमंत्री के साथ अपने राय जो है साझा कर सकते हैं, उन्हें किसी भी टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरे टॉपिक पर प्रधानमंत्री को लिखे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप प्रधानमंत्री जी से सीधे शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वह वाला ऑप्शन आपके सामने खुल दोस्तों जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पर पहुँच सकते हो। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपना आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस वाले कॉलम में आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना है और यहाँ पे आपको अपना वोट डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ वाले इस वाले आइकन में आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और इस वाले कॉलम में जो सबसे महत्वपूर्ण है आप किस विषय पर प्रधानमंत्री जी से शिकायत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जिस भी विषय में शिकायत करना चाहते हैं शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप जिस भी आइकन पर क्लिक करना चाहते हैं, जिस पर भी शिकायत करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले कॉलम में अपना शिकायत यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनके किसी के भी खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री जी को किसी भी टॉपिक पर अपने राय सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय